इन्हीं शब्दों के साथ में। बहुत सुंदर, यहाँ पर नौजवान शक्ति को सीधे सीधे जागृत किया है हमारे साथ। अब हमारे साथ एक पदाधिकारी और हैंड फॉर हेल्प जुड़ेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो क्रम चलेगा वो आप स्वयं हमारे कैमरे से देखेंगे। यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों का भी सम्मान भी किया जाना है, तो एक और वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना के काल में, खासतौर से समाज के लिए? नाम सर, आपका क्या नाम है? पहले नाम? मेरा नाम विशाल वाशनी है। विशाल वाशनी, और मैं ये कोरोना संक्रमण त्रासदी काल के आसपास ही जुड़ा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो संस्था में प्रस्ताव आया कि हमें कुछ करना चाहिए गरीब लोगों के लिए, वो क्या करेंगे असहाय लोगों के लिए, तो हमने ये खाना बांटने का प्लान बनाया। और हमारी सबसे अलग बात ये रही, और बाकी और भी शहर में संस्थाएं काम कर रही हैं, ये परोपकार कर रही हैं, लेकिन हमारा सबसे अलग काम ये रहा हमारे हिसाब से कि हमने लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करने के लिए ये डिसाइड किया कि हम लोगों के दरवाज़ों तक, घरों तक खाना पहुँचाएँ, ताकि वो घरों तक ही रहें, ये संक्रमण ना फैले, और हम उनके घरों तक खाना भी पहुँचाएँ। हमारे टू व्हीलर जितने भी हैं, सारे गलियों में, कुचों में, कच्ची जगहों में, लोगों के घरों तक, दरवाज़ों तक, जहां तक एक आम आदमी शायद मुश्किल से ही पहुंच पाए, सर्वे करने के बाद, देखने के बाद हमने ये देखा कि इस घर में अन्न का दाना नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे हैं, तो फिर हमने गलियों तक जाने का निश्चय किया कि हम घरों तक पहुँचाएँगे, ताकि हमारा कोई भी बाहर ना आ सके और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन भी हो सके, संक्रमण से सभी का बचाव हो सके, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का। यही हमारी संस्था की सबसे अलग और ख़ास बात रही, और रोगियों तक दवाई भी पहुंचाई गई, सभी चीज़ें करी गई, तो ये सब दरवाज़ों तक करी गई, और सारे जो है हमारे पास टू व्हीलर ही हैं, ताकि गलियों में हम आराम से डिलीवरी फूड्स की दे सकें। जी, हैंड्स फॉर हेल्प, मैं एक बार फिर आपको नाम बता दूँ, संस्था का नाम है हैंड्स फॉर हेल्प। हैंड्स का मतलब होता है हाथ, और हेल्प का मतलब होता है सहायता। तो हैंड्स फॉर हेल्प के पदाधिकारी दोनों हाथों से समाज की सहायता करने में लगातार अग्रसर हैं, चाहे वो भोजन पहुंचाने का मामला हो, चाहे मेडिसिन पहुंचाने का मामला हो। जैसा कि आप जानते हैं, अलीगढ़ शहर की बसावट कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ कुंज गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर शायद बड़े वाहन नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ पर हैंड्स फॉर हेल्प की टीम अपने अपने टू व्हीलर्स पर पहुँच कर लोगों को न सिर्फ भोजन बल्कि दवाएँ भी उपलब्ध कराती है। और हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ चुके हैं शहर अलीगढ़ के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर जयंत शर्मा जी। उनके बारे में आपको बता दूं कि जीवन हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के संचालक भी हैं, और सौभाग्य